शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। दोस्ती करो या मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और अब जानते हैं धोनी की कुछ और कहानियां। माही की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आ रहे थे, तभी टीम इंडिया इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहुंची और माही को मिली एक और सौगात। टीम इंडिया इंग्लैंड में अपनी जीत का परचम लहरा रही थी कि तभी मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने 100 सबसे अमीर खिलाड़ियों की सूची जारी की। माही ने उसमें भी कई बड़े बड़े दिग्गजों को मात दी। फोर्ब्स ने माही को अमीर खिलाड़ियों की सूची में 16वें स्थान पर रखा। धोनी 32वें स्थान से 16वें नंबर पर पहुंच गए। धोनी ने सचिन बोल्ट जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। अमीरी के मामले में भी माही ने बाजी मारी। धोनी जैसे जैसे मैदान पर हिट हो रहे हैं, वैसे ही वो विज्ञापन जगत में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। इधर धोनी को ये खुशखबरी मिली तो उधर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में विरोधियों को मात देकर आगे बढ़ रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के आगे किसी की नहीं चली। धोनी के धुरंधरों ने सबको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। टीम इंडिया ने सबको मात देते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। जहां उसका सामना होना था इंग्लैंड से, लेकिन धोनी इस बार सिर्फ और सिर्फ जीत के इरादे से मैदान पर उतरे थे। और माही की सेना चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को मात देकर बन गई चैंपियनों की चैंपियन। इंग्लैंड को उसी के घर पर उसी की जमीन पर मात देकर माही ने यह साबित कर दिया कि जब तक टीम इंडिया में माही है तब तक जीत टीम इंडिया की ही होगी। And I think he's now got a team that is genuinely his team. They'll celebrate and well they might. These young people have done really well. इधर टीम इंडिया चैंपियनों की चैंपियन बनी, उधर टीम खुशियों पर खुशियां मना रही थी। चैंपियन बनने के साथ ही टीम इंडिया ने वनडे रैंकिंग में नंबर वन पोजीशन पर अपनी जगह और मजबूत कर ली। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मुकाबला नहीं हारा, जिसका सीधा फायदा उनको वनडे रैंकिंग में भी मिला। टीम इंडिया इस वक्त भी वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर है और वनडे का ताज छीनने वाले विरोधी अभी टीम इंडिया से कोसों दूर हैं। लेकिन माही इस मुश्किल वक्त में भी डटे रहे और चुपचाप कूल रहकर इस मुश्किल का सामना किया।
टीम इंडिया को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले कैप्टन धोनी का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी। टीम इंडिया चैंपियनों की चैंपियन बनी तो कैप्टन कूल को मिलने लगा सौगात पर सौगात। अभी तो कैप्टन कूल टीम इंडिया की कमान ही संभाली थी कि आईसीसी ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी 11 टीम का ऐलान कर दिया। कैप्टन कूल की कप्तानी से प्रभावित आईसीसी ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी टीम की कमान भी धोनी के हाथों में सौंप दी। धोनी भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। धोनी ने जो कारनामे किए हों वो शायद ही किसी दूसरे कप्तान ने किए हों। धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि धोनी दुनिया के सबसे बेस्ट कप्तान हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। माही की कप्तानी में टीम इंडिया ने नई कामयाबी की इबारतें लिखी हैं। धोनी ने टीम इंडिया को टेस्ट में नंबर वन बनाया तो वनडे ताज भी अभी अपने सिर पर सजा है। धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में आईसीसी के तीन बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं। माही के अलावा और कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो ये कारनामा कर सका हो। धोनी टीम इंडिया के सबसे बेस्ट कप्तान हैं, या यूं कहें ईस्ट और वेस्ट धोनी इज द बेस्ट। कैप्टन कूल मैदान पर किस चतुराई से अपने फैसले लेते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। कैप्टन कूल जो भी फैसले लेते हैं टीम इंडिया के हित में होते हैं। धोनी जैसा चालाक और चतुर कप्तान शायद ही कोई हो। माही जिस चतुराई से मैदान पर कप्तानी करते हैं उससे विरोधी टीमें घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। माही का मैदान पर लिया हर फैसला मैजिक करता है। T20 वर्ल्ड कप 2007 का वो आखिरी ओवर या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला, माही के फैसलों से हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन धोनी के ये फैसले टीम इंडिया के लिए हमेशा सही साबित हुए और माही का मैजिक चलता है। मैदान पर माही का मैजिक चलता है, माही का क्या कहना। माही की कप्तानी में टीम इंडिया ने जो कारनामे किए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए और माही को उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से ढेरों बधाइयां। बनेगा द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन।
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा आस पास। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या? आसान नहीं, आसान हर खबर की जब तक चाहे, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहे, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट मंदिर के पास हुए 9 धमाकों में 2 भिक्षु घायल, मंदिर को कोई नुकसान नहीं, गृह मंत्रालय ने की आतंकी हमले की पुष्टि। बोधगया ब्लास्ट के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी, लखनऊ वाराणसी समेत तमाम बड़े जिलों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। उत्तराखंड में बारिश ने फिर बढ़ाई मुसीबत, हल्द्वानी और बागेश्वर समेत कई जगहों पर थमी बारिश, तो उत्तरकाशी और जोशीमठ में जारी है बारिश। मौसम खुलते ही केदारनाथ में लगी राहत और बचाव टीम को वापस बुलाने का निर्देश, राहत के काम में लगी टीम के पास खाद्य सामग्री खत्म। गोरखपुर में बीजेपी नेता अमित शाह ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन कर के लिए आशीर्वाद, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पंकज सिंह भी साथ रहे मौजूद। लखनऊ के बाद अब नोएडा में भी होगा सचिवालय, राज्य सरकार ने मिनी सचिवालय के लिए भरी हामी, विपक्ष ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बीएसपी प्रमुख मायावती की मोदी को ललकार, कहा मोदी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री पद के साथ न्याय। सहारनपुर में ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, सौतेला बेटा निकला, मां और 2 बच्चों का कातिल, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। अलाहाबाद में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, समाजवादी व्यापार सभा के लोगों ने पुतला फूंका।
चलिए खबरें विस्तार से लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। सरकार ने नोएडा में एक मिनी सचिवालय बनाने का फैसला किया है। खास बात यह भी है कि इस मिनी सचिवालय में न केवल सभी विभागों के कार्यालय होंगे बल्कि मंत्रियों और जनता के रुकने का